नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खटिक जात के विवाह परंपराओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले ये समझते हैं कि वर और कन्या का चयन किस प्रकार होता था। तो प्राचीन समय में तो वर और कन्या का चयन स्वयंवर पद्धति से होती थी और उसके बाद जब कन्या वर का चयन कर लेती थी तो उसके घर वाले उसका विवाह करते हैं। अब विवाह में कौन कौन सी परंपराएं होती हैं उस पर हम आज इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि सनातन के विवाह प्रक्रियाएं कई दौर से गुजरती हैं। एक तरफ लड़की के यहाँ तेल पूजन और लड़के के यहाँ तेल पूजन, ये व्यवस्था होती है। तेल पूजन में क्या करते हैं, वो अपने आंगन में एक पहले हेंगा कहा जाता था उसको, जिससे वो खेतों को समतल करते थे। अब यहाँ से समझिए, ये जो हेंगा है ना, वो हर क्षत्रिय हर ब्राह्मण के विवाह में इस्तेमाल होता है। वो जो लकड़ी का पट होता है जिसको बैलों के पीछे बांध कर पहले घसीटते थे और जमीन को लेबल किया जाता था, आज भी वो ट्रैक्टर्स में भी यूज होता है, उसको हेंगा कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की आम बोलचाल की भाषा में, तो वो हेंगा आज भी विवाह में गाड़ा जाता है। इसका अर्थ है कि वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, कुल मिलाकर वो कृषि कार्य में पारंगत होना उस समय आवश्यक था। यानी कि किसी के किसानी आदि करने से हम ये नहीं समझ सकते कि वो फलावर्ण का है। तो हम आज वीडियो को अलग नहीं ले जाएंगे, इस बारे में हम चर्चा और बाद में करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा विवाह परंपराओं में करने आए। तो हेंगा गाड़कर हेंगा को वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है, वहाँ पर कलश स्थापित कर दिया जाता है और उसकी पूजा होती है। उसके बाद कन्या के तरफ भी हल्दी की रस्म होती है, वर के तरफ भी हल्दी की रस्म होती है। उसके बाद वर पक्ष जो है बारात लेकर नियत समय पर पंडित जी जो पुरोहित होता है वो लग्न निकाल के आपको बता देता है कि फला दिन आप अपने विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं और ये बहुत शुभ नक्षत्र होगा। ये लग्न क्या है, थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे भी कर लेते हैं। लग्न वो है जब पहले विवाह आदि की जो परंपराएं थी उसमें वो क्या चाहते थे कि मौसम आदि बहुत अच्छा रहे, बारिश कम से कम हो और सभी लोग खाली रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले युद्ध आदि हुआ करते थे, खेती किसानी में लोग जुड़े रहते थे और ज़्यादातर लोग सैनिक हुआ करते थे, क्योंकि ज़्यादातर वर्ण क्षत्रिय होते थे भारत में, वो तो वही सारे वर्ण के लोग होते थे, तो वो लग्न विचारते थे। तो कैलेंडर में उन्होंने अपना एक स्पेस बना रखा था कि यहाँ से यहाँ तक, जब ग्रहों की दिशा सब अच्छी होगी तो हम विवाह करेंगे और हम खाली होंगे, हम खुशी होंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा। वो काल गणना करके वो हर साल का एक फिक्स पुरोहितों के पत्रा में निकाल लिया जाता है और उसी समय पर विवाह की अनुमति दी जाती है। उसके बाद फिर वर पक्ष अपनी बारात लेकर, जिसमें उसके गांव वाले रिश्तेदार, उसके आसपास के लोग, दूर दूर तक जिसको भी वो जानता है वो सबको लेकर कन्या पक्ष के यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद अब बारात में आज के जैसे बारात नहीं होती थी कि वो डीजे गाजा बाजा ये सब लेकर के और मतलब हल्ला मचाते हुए जाएं और लड़की के यहाँ का खाना ख़त्म करें और फिर अपने घर आ जाएं, ऐसे बारात नहीं होती थी, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो उस बारात में भंडारी, अनाज खिलाने वाले, बनाने वाले, रसोइयाँ, ये सारी व्यवस्थाएं करके तब बारात लोग जाते थे। अपने यहाँ सब बैकअप लेकर जाते थे कि अगर कन्या पक्ष के यहाँ कुछ भी दिक्कत होगी तो हम भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करेंगे अपने बारात के लिए। ऐसा वर पक्ष अपने आप को जिम्मेदार समझता था। आज के वर पक्ष उस चीज़ को नहीं समझते हैं, लेकिन ये जाने कि वो किसी को जब बुला के ले जाते हैं तो उनके भोजन आदि का प्रबंध की व्यवस्था वर पक्ष की भी होगी, सिर्फ कन्या की नहीं होगी। तो ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं। तो वर पक्ष, अब देखिए यहाँ पे दहेज की लोलुपता अगर होती पहले के समय में तो ये सब नहीं होता। फिर वो तेल इत्यादि सब लेकर जाते हैं और वहां पे यदि कन्या पक्ष की तरफ से भोजन की संपूर्ण व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात, उनका स्वागत किया जाएगा, वो लोग खाना खाएंगे और अपना अनाज वापस लेंगे। अब उसी दिन जिस दिन बारात, पहले क्या होता था मैं अपने मित्रों को यहाँ पे बता दूं कि आज शादी विवाह की परंपराएं कुछ घंटों के लिए होता है। अगर आप कोर्ट मैरिज में जाएंगे तो 2-3 घंटे, और अगर आप कल्चरल अपनी मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज, तो उसमें भी एक दिन का समय विवाह के मेन टाइम विवाह वाले दिन ही रहता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग विवाह को एक हर्षोल्लास के साथ मनाते थे और ये तीन दिवसीय 5 दिवसीय कार्यक्रम होता था। लेकिन इस वीडियो में मैं 3 दिवसीय के बारे में डिटेल दे रहा हूँ, आगे कभी समय मिला तो मैं 5 दिवसीय विवाहों के बारे में भी डिटेल बताऊँगी कि कैसे होती थी 5 दिन की बारात। तो 3 दिवसीय बारातों में पहले दिन तो विवाह हो जाता था, विवाह संपन्न हो जाता था, विवाह में वही
पुरोहित आते थे, हेंगा के आसपास कन्या और बरपक्ष को बैठाया जाता है, उनको शपथ दिलाई जाती है, उनको विभिन्न विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं कि दुनिया इस सृष्टि में किस किस ने विवाह किया, उनका कैसे कैसे से निर्वाहन हुआ, वो मतलब सात जन्मों के जितने भी फेरों के जितनी भी परंपराओं के बारे में उसके बारे में डिटेल बताया जाता है। और विवाह में वहाँ कोई परंपरा नहीं, वहाँ सिर्फ लोग कन्या को गिफ्ट देते रहते हैं, मतलब कि बर्तन इत्यादि आएंगे, वो उनका पैर छुएंगे कन्या वर का और पंडित जी उसको दान करा देंगे। इसके अलावा सिर्फ वहाँ पे पंडित जी कन्या पक्ष और कन्या और वर दोनों को यही समझाते रहते हैं कि आजीवन आप कैसे बहुत सुखी जीवन जी सकते हैं। तो ये सब होता है, उसके बाद फिर वो अग्नि के साथ फेरे लेके ध्रुव तारे को साक्षी मानकर विवाह संपन्न करा दिया जाता है। तो ये तो हो गया विवाह। अब अगले दिन सुबह, सुबह क्या होता है कि पूरी रात दूल्हा जगता था पहले, तो पहले क्या थे कि कम उम्र में ही शादियां हो जाती थी, तो पहले बच्चा जब पूरी रात जगता था 4-5 बजे वो सोता था, उसके बाद अब उसके घर वालों को पता रहता था कि भाई अब मेरा बच्चा भूखा होगा, जैसे 10-11-12 साल का बच्चा हो तो वो सुबह उठेगा तो उसको भूख लगी होगी, तो बहुत जल्दी कलेवा खाने की परंपरा थी। अब देखिए उस समय लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर कितना जागरूक थे और डाइट इत्यादि को कितना बढ़िया से फॉलो करते थे कि विवाह के दिन भी बच्चे को कलेवा खिलाने से नहीं चूकते थे। तो आज भी कलेवा खाने की परंपरा है, जिसमें लोग कलेवा जाती हैं, औरतें बैठकर मणियां कुछ शिष्टाचार की गालियां सुनाती हैं, मतलब ऐसे गाली नहीं देती हैं, वो एक कॉमेडी शो आप समझ सकते हैं, मतलब वो थोड़ा ऐसे बातें करती हैं, ऐसा गाना गाती हैं, ऐसे शुभ मंगल कीर्तन करती हैं कि उससे थोड़ा लोगों को प्रसन्नता मिलती है। और उसके साथ ही दूल्हा कलेवा खाता है, फिर वो वहाँ पर जिद करता है कि मैं खाना तब खाऊंगा जब मुझे कुछ दिया जाएगा। मतलब बचपन की बच्चे होते थे, मैंने आपको पहले बताया कि पहले कम उम्र में शादियाँ होती थी। और ये परंपरा सिर्फ खटीक जाति में ही नहीं है, तो हमारे क्षत्रिय भाई हैं, इसके अलावा भी ये परंपराएं लगभग सभी पूरे सनातन धर्म में फॉलो की जाती हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर मतलब उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, बहुत थोड़े मोड़े चेंजेस हर परंपराओं में आपको मिलेगा। अब वहाँ कलेवा खाने के बाद वो उसको कुछ भाई गहने या पैसे इत्यादि मिलते हैं, उसके बाद वो कलेवा खाकर बच्चा फिर अपनी बारात को वापस आ जाता है। उसके बाद फिर एक दो परंपराएं होती हैं जिसमें वो फिर अपनी ससुराल लाया जाता है। अब आजकल तो कार चलने लगी है, पहले उसको डोली से कहार लेके आते थे बारात और बारात से फिर वापस लाते थे, तो ये होता था। उसके बाद यहाँ के बड़े बुजुर्गों को लगातार गिफ्ट मिलते रहते हैं कि जैसे पहले, आजकल तो सिर्फ कन्या के घर वाले ही गिफ्ट देते रहते हैं, पहले क्या होता था कि लोग एक दूसरे को पहचानते थे, साधन आवागमन का इतना सामान ही नहीं था, जब मिलते थे एक दूसरे से तो वैसे भी कुछ एक्सचेंज गिफ्ट होते थे। ये हमारा शिष्टाचार था कि जब हम कुछ मिले तो जो हमने हासिल किया है वो उनको दिखाएं, क्योंकि पहले ये प्रिंटेड नोट नहीं होते इस समाज में, ये पैसे नहीं थे, वो कुछ हासिल करते थे, जैसे कुछ जाते थे, मान लिया किसी अन्य प्रदेश गए तो वो कुछ नया पत्थर लेके आए, नई कोई हसिया लेके आए जिससे घास काटने या फिर खेती करने में आसानी हो, तो वो दिखाने के लिए उनको गिफ्ट करते थे। जैसे आज आप देखते हैं कि लोग प्रमोशंस करते हैं, अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन, ये इसी प्रकार की परंपराएं पहले थी, तो वो एक दूसरे को गिफ्ट करते रहते। अब आते हैं विवाह के अगले दिन की रात्रि में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 दिन का विवाह होता था, तो अगले दिन की जो रात्रि होती थी वो शिष्टाचार हुआ करता था। शाम को दोनों वर पक्ष और कन्या पक्ष के पुरोहित बैठते थे और उसमें शास्त्रार्थ होता था कि किस भाई जो विवाह, ज़्यादातर विवाह क्या होते थे, इस गांव की लड़की है तो कहीं 10-15-20 किलोमीटर या कभी कभी 50 किलोमीटर दूर कहीं शादी हो रही होती है, तो वहाँ उस क्षेत्र का ज्ञान और उस क्षेत्र का ज्ञान, एक कॉम्पिटिटिव भाव रहता था कि कन्या वाले ज़्यादा ज्ञानी हैं या वर पक्ष वाले बहुत ज्ञानी हैं, मतलब एक शास्त्रार्थ होता था दोनों में, और वो नोक झोंक भी होती थी और संगीत भी होता रहता था, नृत्यांगनाएं भी आती थीं, और वो उसमें वो नृत्यांगनाएं आज जैसे बल्गर नहीं परोसती थी, वो भी राम की कहानियां या फिर कृष्ण के पाठ, ये सब पाठ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान पाया, अभी भी मैंने कोशिश करी है कि क्या क्या वो लोग करते थे, और डिटेल में कोशिश करूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि क्या क्या होता था। और आज भी परंपराएं लगभग लगभग सेम है, बस छोटा मोटा उसमें शॉर्टकट हम लोगों ने ढूंढा है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो उसके बाद शिष्टाचार होता था, फिर तत्पश्चात फिर अगले दिन सुबह होती थी, फिर नाश्ता चाय पानी ये सब, और फिर शाम होते होते दूल्हे की विदाई हो जाती थी। हो सकता है कि उस समय उसको बहू उसके साथ विदा न की जाए क्योंकि बहू छोटी होती थी,
तो उसके बाद गौना की परंपरा थी कि फिर 2-3 साल बाद जब मेच्योरिटी आएगी, प्यूबर्टी आएगी, फिर वो गौना इत्याद उनके घर वाले करते थे, क्योंकि वो विवाह तो पहले कर देते थे लेकिन विदाइयाँ नहीं होती थी। तो जो ये कुछ कथित वैज्ञानिक आते हैं वो आधा अध्ययन करके गए, उन्होंने बताया कि यहाँ कुप्रथा है कि बाल विवाह होता है। बाल विवाह कंप्लीट कहाँ होता है आप खुद बताइए, जब शादी आज हो रही है गौना 10 साल बाद आ रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भारत में हैं जिसमें शादियां आज हुई हैं, गौना 10 साल बाद आया है। तो ये आधा रिसर्च यही सब वायसराय इत्यादि ने किया और हमको आधा आधा पढ़ा दिया और हम आपस में जोड़ तोड़ में लग गए। तो दोस्तों मैं इस परंपरा के माध्यम से आप सब को ये बताना चाहता था कि भारतीय संस्कृति में कहीं भी लोलुपता नहीं थी। तो इसी कुछ छोटी, उसके बाद विदाई हो जाती है, फिर दूल्हा दुल्हन अपने अपने घर हो जाते हैं। अगर गौना हुआ तो दुल्हन दूल्हे के साथ चली जाती है। इसी कुछ छोटी सी चर्चा के साथ मैं आज आपका मित्र भाई अभिषेक कुमार भट्ट। आपसे एक निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रहता है वो वीडियोस को और अच्छा प्रोड्यूस और मेहनत करने की हमें थोड़ा अंदर से भावना उत्पन्न होती है कि हाँ आपका समर्थन मिल रहा है, हमें कुछ और अच्छा करना है। इसी के साथ, और आपका समर्थन हमको लगातार मिल रहा है, हमारी टीम जानती है। अगर आप हमारे विषय में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जो ऊपर दिख रही है उस पर आप क्लिक करके www.agniveshvedicsanskar.in पे जाकर हमको अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।